हे गाइस, दिस इज प्रसाद एंड यू वाचिंग ऑल अबाउट इंडिया। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। सो इस एपिसोड में हम बात करेंगे पुट्टपति के बारे में। जी हाँ, मैं अभी हूँ आंध्र प्रदेश के पुट्टपति में। ज़्यादातर लोग पुट्टपति आते हैं मेडिकल रिलेटेड काम के लिए, या फिर यहाँ पे सत्य साई बाबा जी का आश्रम है वहाँ पे आते हैं आश्रम में रुकने के लिए, दर्शन करने के लिए। सो मैंने सोचा क्यों ना मेरा जो एक्सपीरियंस है पुट्टपति का मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। सो कुछ 4-5 साल पहले, आई थिंक 2018 में मैं आया था पुट्टपति मेडिकल इश्यूज़ के वजह से, एंड यहाँ पे लगभग 4-5 दिन रुका था। उस टाइम पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सही रहा, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया उस टाइम। हाँ, आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे उस टाइम के, लेकिन उस टाइम मैंने ज़्यादा कुछ इतना एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन दिस टाइम आई थिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि कैसे आप पुट्टपति अगर आते हो तो पुट्टपति में आपको कहाँ पे चीप रूम मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर आप आश्रम में रुकते हो तो वहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, हॉस्पिटल के बारे में सब कुछ आपको एक ही वीडियो में पूरा डिटेल मिल जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले बात करते हैं कि पुट्टपति कैसे पहुँचते हैं, हाउ टू रीच पुट्टपति। मैं सबसे आसान, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन तरीका है पुट्टपति पहुँचने का, वो है इंडियन रेलवेज। जी हाँ, चाहे आप बेंगलुरु से आओ, चाहे आप विशाखापट्टनम से आओ, विजयवाड़ा से आओ, या फिर उड़ीसा के भुवनेश्वर से आओ, या फिर कोलकाता कहीं से भी आओ, आपको इजीली पुट्टपति तक आप आ सकते हैं। सो बेंगलुरु से या फिर उड़ीसा से या फिर विशाखापट्टनम से आपको प्रशांति एक्सप्रेस मिल जाएगी। आप उसके ज़रिए साई प्रशांत निलयम स्टेशन है वहाँ पे आके उतर सकते हैं। वहाँ से कुछ 100-150 रुपये की दूरी पर आपको ऑटो लेके छोड़ देगा पुट्टपति आश्रम में, जो कि है साई बाबा का आश्रम। जी हाँ, स्टेशन से लगभग 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता है, उसके लिए आपको 150 रुपये देने पड़ेंगे ऑटो वाले को, वो आपको ला के छोड़ देगा ठीक साई बाबा के आश्रम के सामने, जो कि है गणेश गेट। अब दूसरी बात, पुट्टपति पहुंचने के बाद आप रुकेंगे कहाँ, वे टू स्टे इन पुट्टपति। पुट्टपति पहुंचने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपको छोटे बड़े होटल्स मिल जाएंगे, लॉज मिल जाएंगे, गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, डिलक्स रूम्स भी अवेलेबल है। सो आपको यहाँ पे अगर चीप की बात किया जाए तो 250-300 से लेकर 600 रुपये तक अच्छा खासा रूम्स मिल जाएगा। एंड अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आपको 800-1000 में भी यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा खासा रूम्स है। आपको एसी रूम्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जी हाँ, जो साई बाबा का आश्रम है उसके आसपास आपको कई सारे रूम्स मिल जाएंगे, छोटे बड़े बजट के अंदर। सो उसके लिए आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छा खासा रूम्स यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप पुट्टपति आने के बाद आप चाहते हो कि आप मंदिर के अंदर रहे या फिर जो आश्रम है आश्रम के आसपास रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तीसरी बात है कि भाई आश्रम में आप कहाँ पे रहेंगे। भाई आश्रम एक बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पर कई सारे डेवोटीज आते हैं दर्शन करने के लिए, और भी कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि हेल्थ चेकअप वगैरह या फिर मेडिकल इश्यूज होते हैं, वो सुपर साई हॉस्पिटल में अपना चेकअप वगैरह करवाते हैं, वो भी यहाँ पे रुकते हैं। सो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे रहने के लिए। यहाँ पे आपको गणेश गेट के अंदर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको 15 रुपये वाला जो पर पर्सन वाला जो हॉल है वो मिल जाएगा। जी हाँ, एक बड़ा सा हॉल रहता है, उसमें मल्टीपल बेड्स पड़े रहते हैं, वहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठे मिलकर रहते हैं, जिसके लिए आपको पर डे 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड साथ में कैरी करनी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या फिर पासपोर्ट हो, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत ना हो। जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए अलग अलग है, मेल फीमेल के लिए अलग अलग है बड़ा बड़ा हॉल। फिर आती है दूसरी बात, जो 40 रुपये पर पर्सन जो कि बेड मिलेगा आपको पर पर्सन, वो भी एक बड़ा सा हॉल होगा, उसमें मल्टीपल बेड्स पड़े रहेंगे, पर बेड पर पर्सन के लिए 40 रुपये देने पड़ेंगे पर डे के हिसाब से। फिर आते हैं भाई थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जहाँ पर आता है कि आपको फैमिली रूम्स, कंप्लीट फैमिली अगर आते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर रूम्स की अवेलेबिलिटी हो तो आपको रूम्स मिल जाएंगे, एंड आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको बताना पड़ेगा कि आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या है, आपको रूम क्यों चाहिए। तो आप अगर आपका जो पर्पज़ ऑफ विजिट वो जेन्यून है, आप मेडिकल के काम से आए हो या फिर दर्शन के लिए आए हो, आपका पर्पज़ जेन्यून है, तो उस हिसाब से आपको रूम्स मिल जाएंगे अगर अवेलेबल हो तो। हाँ, आपको अपना रिटर्न टिकट भी शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें टाइमिंग मेंशन रहता है कि कब आप इसको चेकआउट करेंगे। सो ये भी आपको मिल जाएगा पर पर्सन, आई थिंक पर डे के हिसाब से 300 रुपीज़ समथिंग का कुछ चार्जेस है उनका,
पर रूम के हिसाब से। सो आपको अंदर ऐसे ही कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, 15 रुपये से लेकर 40 रुपये से लेकर 300 रुपये तक आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएगा। और अगर कई रूम्स वगैरह होंगे तो उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मुझे जितना मालूम था मेरे विजिट के दौरान मैंने जितना नोटिस किया था आपके साथ शेयर कर लिया। अब बात करेंगे कि बाहर कहाँ पे खा सकते हैं। पुट्टपर्ति में आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए, बहुत सारे होटल्स हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट भी है, छोटे छोटे जो स्टॉल्स होते हैं फूड स्टॉल्स वो भी है, तो उसी हिसाब से आपको बाहर खाना मिल जाएगा। अगर बात करेंगे कि आश्रम के अंदर आप कहाँ खाएंगे, आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको साउथ इंडियन कैंटीन मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन कैंटीन मिल जाएगा, आपको वेस्ट कैंटीन मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको कई सारे छोटे बड़े स्टॉल्स मिल जाएंगे अंदर, वहाँ पे आपको कॉफ़ी स्टॉल्स वगैरह या फिर आइसक्रीम स्टॉल्स वगैरह वो भी मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से खाना खा सकते हैं। स्टॉल है साउथ इंडियन जो कैंटीन है, साउथ इंडियन कैंटीन में आपको काफ़ी सस्ता खाना मिल जाएगा, नॉर्थ इंडियन कैंटीन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन खाना बहुत ही बढ़िया मिलता है, हाइजीन तरीके से खाना बनाया जाता है, साथ ही साथ हाइजीन तरीके से सब भी किया जाता है। सो काफ़ी अच्छा माहौल है वहाँ पे, आपको कैंटीन का खाना भी काफ़ी पसंद आएगा, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन कंट्री से आए हुए कोई डेपुटी या फिर विजिटर्स, सबके लिए यहाँ पे अच्छा खासा बंदोबस्त है। एंड यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सो ये आगे आश्रम के अंदर आपको कहाँ पर खाना मिल जाएगा एंड कैसा खाना मिल जाएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग की। सो जब टाइमिंग की बात आती है तो एकोमोडेशन ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 6:15 से लेकर रात के 8 बजे तक। जी हाँ, अगर आपको रूम्स वगैरह चाहिए उसके लिए आपको पर्टिकुलर टाइमिंग है, आप सुबह 6:15 को आके रात के 8 बजे तक किसी भी टाइम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको रूम मिल जाएगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद हो जाएगा। फिर आता है गणेश गेट के बारे में। जी हाँ, गणेश गेट की जो एंट्री है वो सुबह के 4 बजे से लेकर क्लोजिंग टाइम है रात के 10 बजे तक। जी हाँ, आप मॉर्निंग 4 o'clock से लेकर रात के 10 बजे तक कभी भी आ जा सकते हैं अपने हिसाब से। एंड सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, आप टोटली फोटो वीडियो वगैरह नहीं खींच सकते, जो कि सही बात है भाई, पवित्र जगह है, अच्छे खासे डेवोटीज आते हैं यहाँ पे, जो माहौल है वो काफ़ी शांत है, जो डिस्टर्बिंग नहीं है, ये साइलेंट जोन है। आप अगर मोबाइल वगैरह भी, यहाँ पर ज़्यादातर लोग मोबाइल वगैरह भी साइलेंट करके रखते हैं, तो काफ़ी शांत सा, काफ़ी बढ़िया सा जगह है। सो ये आगे टाइमिंग के बाद। और अगर कैंटीन की बात करें तो भाई, जो नॉर्थ कैंटीन है, नॉर्थ कैंटीन में आपको लगभग सुबह 11 बजे से लेके 1:30 तक आपको लंच मिल जाएगा, एंड शाम को लगभग 6:30 बजे से लेके 8:30 तक आपको वहाँ पे डिनर भी मिल जाएगा। सो ये आ गया टाइमिंग के बारे में। साई बाबा के आश्रम के आसपास कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, वो सारे आप देख सकते हैं, वहाँ पे एक छोटा म्यूजियम भी है वो भी देख सकते हैं, फिर गार्डन बहुत सारे हैं वो भी देख सकते हैं आसपास आपको, या इसके कॉलेजेस वगैरह देखने को मिलेंगे वो भी देख सकते हैं। फिर आपको अगर टूरिस्ट स्पॉट वगैरह एक्सप्लोर करना है तो भाई ये लिस्ट है, मैंने आपको लिस्ट दिया हुआ है, आप पुट्टपर्ति में आने के बाद ये सारे जगह पर आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ये वीडियो टूरिज्म के लिए नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। पुट्टपर्ति के पास 2 हॉस्पिटल है, एक तो है जनरल हॉस्पिटल एंड दूसरा जो है वो है सुपर साई हॉस्पिटल। सो सुपर साई हॉस्पिटल के लिए आपको बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन, लंबी कतार लगी रहती है। कई सारे डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारे डिपार्टमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है, उस हिसाब से आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर अपॉइंटमेंट ले लेते हैं तो उस हिसाब से आपको ईजी हो जाएगा अंदर जाने के लिए, लेकिन रजिस्ट्रेशन मस्ट है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे वेबसाइट का नंबर है, आप उस हिसाब से अंदर आप रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन पहले से ही कंसल्ट करके जा सकते हैं। जनरल हॉस्पिटल जो है वो भी माइनर जो भी चीज़ें हैं, माइनर हेल्थ इश्यूज़ है, उसके लिए आप जनरल हॉस्पिटल जा सकते हैं, क्या क्या इश्यूज आप दिखा सकते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। सो जनरल हॉस्पिटल एंड सुपर साई हॉस्पिटल दोनों का फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छा है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है एंड काफ़ी सही है भाई। अगर आप पुट्टपर्ति आते हो मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ के लिए तो भाई पुट्टपर्ति आइए, एक्सप्लोर कीजिए पुट्टपर्ति को, साई बाबा के आश्रम में आइए, यहाँ पे रुकिए भी, एंड हेल्थ इश्यूज़ के लिए तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। सो ये थी पुट्टपर्ति के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड अगर आपको ऐसे ही और भी कई सारे वीडियोस देखने हैं, इंडिया भर में मैं घूमता रहता हूँ, आपको कई सारे प्लेसेस के ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ब्लॉग्स, फूड ब्लॉग्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।